ये आदमी दुर्घटनाग्रस्त कार को देखता है। कार में बैठे इंसान को बचाने की बजाय ये आदमी रोड के बीच में लगी किलों को हटाने लगता है, जिनकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ था। ये किले उन्हीं के द्वारा लगाई गई थी। वो अब सभी सबूतों को मिटाने में लग जाता है। अब की बार वो बड़ी किले लगाता है। वो हैमर की मदद से उसे बीच रास्ते पर गाड़ देता है। ये सब वो पैसे कमाने के लिए करता है, क्योंकि इस पूरे इलाके में सिर्फ उनका एक का ही कार गैराज है। उनके द्वारा बिसाई गई किलों से पंचर होने पर सभी लोगों को उनके ही गैराज पर पंचर कराने के लिए आना पड़ता था। अगले दिन एक सरकारी बाबू अपनी कार का पंचर कराने आता है। वो भी उन बिसाई गई किलों का शिकार बना है। उनके बताए बिना ही गैराज का टायर में से कीले निकालने लगता है, जो कि उनकी ही देन थे। थोड़ी ही देर में वो कार को रिपेयर कर देता है। वो उसके लिए एक बड़ी रकम चार्ज करता है और ऊपर से उन्हें सरकारी बाबू टिप भी देकर जाता है। इतने पैसे आने से अब ये कपल शाम को अच्छा भोजन करता है। मगर कुछ ही दिनों में ग्राहकों का जैसे अकाल पड़ गया, कोई अपनी कार रिपेयर के लिए आ ही नहीं रहा था। लाउजिन रास्ते पर बिसाई कीलों को देखने जाता है। वहां पर उन्हें एक भी कीले रास्ते पर पड़ी नहीं मिलती। तभी वहां से एक बड़ा ट्रक गुजरता है, जिनकी वजह से रोड की कीले खराब होती थी। दूसरे दिन वो कीलों को और मजबूत बना के रास्ते पर लगा रहा था, तभी पीछे से कोई उन्हें पकड़ लेता है। कौन था ये जो पीछे से आ गया, जानने के लिए कमेंट करें पार्ट 2।